discuss the biology of 12th class. So in 12th class, my today's topic is asexual reproduction by fragmentation. आज मैं आपको बताऊंगा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. ठीक, तो देखिए फ्रेगमेंटेशन के द्वारा कैसे होता है. फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें होता क्या है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिट्स इनटू देयर फ्रेगमेंट्स एंड ईच ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू मैच्योर्ड फुल ग्रोन इंडिविजुअल दैट आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. इसमें क्या होता है, कोई भी पेरेंट्स होता है वो अपने फ्रैगमेंट में टूट जाता है, और फ्रैगमेंट में टूटने के बाद में उसका प्रत्येक फ्रैगमेंट जो होता है, फ्रैगमेंट का मतलब होता है ए पीस, ए पार्ट, कोई एक खंड. ओके, तो कोई पेरेंट्स होता है वो अपने फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, और फ्रैगमेंट्स में टूटने के बाद में उसके जितने भी फ्रैगमेंट्स होते हैं, ईच ऑफ दीज फ्रैगमेंट्स डेवलप इनटू मैच्योर्ड फुल ग्रोन इंडिविजुअल. ठीक है, प्रत्येक जो फ्रैगमेंट होता है वो फुल ग्रोन इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं. ये देखिए, ये क्या है, पेरेंट्स प्लेन एरिया है. पेरेंट्स प्लेन एरिया और दीज आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ प्लेन एरिया. ये क्या है, फ्रैगमेंट्स ऑफ प्लेन एरिया. और डॉटर प्लेन एरिया. यहां बताएंगे फ्रैगमेंटेशन इन प्लेन एरिया. दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन. इसमें आपने क्या बताया, एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू देयर फ्रेगमेंट्स. कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, एंड ईच ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू देयर मैच्योर्ड फुल ग्रोन इंडिविजुअल दैट आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. उसमें से प्रत्येक फ्रेगमेंट जो होता है वो क्या करता है, वो इंडिविजुअल फ्रेगमेंट इंडिविजुअल बना लेता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना लेता है जो अपने पेरेंट्स के इक्वल होता है. ओके,